Hello student, good afternoon to all of you. My name is Nishant and I'm going to teach you a physics chapter electricity of class 10. हमारे पास पहला लेक्चर हो चुका था, हमने कर दिया था, उसमें हमने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं और थोड़ा थोड़ा नोट्स बना के चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है लॉकडाउन की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो रही है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पर ऑनलाइन लेक्चर चलते रहेंगे निशांत क्लासेस के नाम से, एनकेबी फिजिक्स क्लासेस के नाम से। तो आप लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर विदाउट टेकिंग एनी टेंशन अबाउट द स्टडीज। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से दोबारा। अगर जिसने भी लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्लीज लेक्चर फर्स्ट देखिए एनकेबी क्लासेस के नाम से, क्लास 10 फिजिक्स सीबीएसई। तो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों ने पढ़ा था, क्या होता था इलेक्ट्रिक चार्ज? आपका सब्सटेंस जो कि अगर कहीं पे भी रखा होता था उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई होती थी किसी दूसरे चार्जेस की वजह से। अब उनसे डेफिनेशन की वजह से कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन के तौर पर कैसे लिखेंगे? इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच कॉजेस इट एक्सर्ट एज वेल एज एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड नियर सम अदर सब्सटेंस। मतलब क्या हुआ, हम लोगों ने पढ़ा था एक चार्ज क्यू था, एक चार्ज ये वाला था। चार्ज अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होते थे तो क्या करते थे, रिपेल करते थे एक दूसरे को। और जब एक पॉजिटिव चार्ज होता था या नेगेटिव चार्ज होता था, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज होता था, तो भी वो क्या करता था, रिपेल करते थे एक दूसरे को। लेकिन जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता था, वो दूसरे को क्या करते थे, वो अट्रैक्ट किया करते थे। तो मतलब ये अट्रैक्शन रिपल्शन हो कब रहा है, ये अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है जब दूसरा चार्ज दूसरे चार्ज के पास लेके आए, तभी हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा था। तो वो फोर्स जो अप्लाई हुई थी, हम लोगों ने कौन सी फोर्स पढ़ी थी, वो इलेक्ट्रिकल फोर्स अप्लाई थी। कौन सी बेटा, वो थी आपकी इलेक्ट्रिकल फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स थी आपकी, या फिर हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जाना जाता था वो वाली फोर्स। लिखा है यहां देखो, इट इज दैट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच कॉजेज इट टू एक्सर्ट एज वेल एज एक्सपीरियंस, या तो लगाएगा या फिर वो एक्सपीरियंस करेगा क्या, फोर्स, जब कोई दूसरा सब्सटेंस उसके पास में होगा। ठीक है बेटा, तो वो आपकी कौन सी होती है डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक चार्ज की। अगर जो डेफिनेशन आ जाती है आप देख सकते हो, बहुत समझ से करना है, रटना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल समझ से करोगे तो ही आपको इजी पड़ेगा, अगर रटोगे याद करोगे तो भूल जाओगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप डेफिनेशन उतार सकते हैं, फिर हम आगे देखते हैं क्या क्या होते हैं। अब यहां पर आपके पास हमें पता था चार्ज को किससे डिनोट करते थे, अब क्यू से डिनोट करते थे। यहां लिख देते हैं इट इज डिनोटेड बाय किससे हम डिनोट करते हैं, क्यू से करते हैं, और कैपिटल क्यू से भी करते थे आप लोग। ठीक है, स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से भी करते हम डिनोट। यही चार्जेस कितने होते थे बेटा, ये चार्जेस होते थे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पहला कौन सा होता था बेटा, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा कौन सा होता था बेटा, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता था, नेगेटिव चार्ज होता था। पॉजिटिव चार्ज को हम किससे डिनोट करते थे, पॉजिटिव क्यू, और नेगेटिव को किससे डिनोट करते थे हम, नेगेटिव क्यू। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, कौन सी, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर। यहां लिख देते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर। ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट विद ईच अदर। आप पोज करके उतार सकते हैं और उसके बाद याद रखो, नीचे एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हो आप लोग, पॉजिटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहां बड़े बड़े और नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे। यहां बड़े से अक्षरों में लिख देना रिपेल। ठीक है बच्चों, जब सेम चार्ज होंगे, और जब अपोजिट चार्ज होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या होगा बेटा, ये आपका क्या होगा, अट्रैक्ट। यहां बड़े से अक्षरों में लिख देना अट्रैक्ट।
ठीक है बच्चों, इसे याद रहेगा आपको, जब दो सेम चार्ज रहेंगे तो रिपेल करेगा, जब दो अपोजिट चार्ज रहेंगे तो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं, अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम लोगों ने नाम का प्राणी पढ़ा था, वो प्राणी था तो कौन सा प्राणी था, वो था आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब भी हम डिफाइन करते थे, इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनल करंट जो हमने पढ़ा था, जब कन्वेंशनल करंट प्रोटॉन चलते थे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस होता था, और उसी कन्वेंशनल करंट के जो डायरेक्शन रहती थी उसके अपोजिट डायरेक्शन किसकी रहती थी, इलेक्ट्रॉन की रहती थी, नेगेटिव चार्जेस की रहती थी। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ेंगे, अब बात आती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, किसकी बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, मैंने आपको बताया था जब भी रेट की बात आ जाती है, रेट, रेट का मतलब हो जाता है टाइम, जब भी रेट की बात आती है आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा I equals to Q upon T, ठीक है, नीचे क्या है आपके पास T टाइम होता है, यहां आपके पास छोटी सी डेफिनेशन बन जाती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जहां भी रेट लग जाता है वही बात समझ लेना किसकी बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी डेफिनेशन आपको याद करने में आसानी होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, टी आपका पास, क्यू क्या है आपके पास, चार्ज, कह सकते हैं हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज, और आपके पास टी क्या है बेटा, टाइम। ठीक है बच्चों, अब यहां पर करंट बात करते हैं, करंट जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ये दोनों जो करंट होती हैं, करंट हो गया या चार्ज हो गया, ये आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे 10th क्लास के ऊपर बेसिस कि आपका जो करंट है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, वो हमेशा याद रखना स्केलर क्वांटिटी, और पता है स्केलर क्वांटिटी बेटा कौन सी होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बिल्कुल नहीं होती है। यहां पर अब ऐसा यूनिट की बात करते हैं बेटा, ऐसा यूनिट इसकी जो होती है वो होती है आपकी एम्पियर, ऐसा यूनिट जो करंट की होती है वो होती है बेटा एम्पियर। एम्पियर की अगर बात करते हैं, एम्पियर यहां इसकी अगर डेफिनेशन पूछ लेता है, वो ज्यादातर पूछ लेता है, तो करंट की डेफिनेशन नहीं पूछता, वो ज्यादातर पूछने लग गया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वन एम्पियर। अब हम वन एम्पियर की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, बिल्कुल लिखते रहना, इसे उतारो बेटा, नोट डाउन कर लो पॉज करके। ठीक है, अब बात करते हैं वन एम्पियर की डेफिनेशन कैसे लिखे। वन एम्पियर की डेफिनेशन लिखने से पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि चार्ज के बारे में, कि जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो आपका होता है कितना बेटा, माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ जो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है वो आपको मैंने बता चुका हूं कितनी होती है, कूलम। चार्ज की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है आपके पास कूलम, कूलम। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना, माइनस का। इसी तरीके से प्रोटॉन का भी सेम चार्ज होता है, लेकिन यहां क्या होता है, माइनस का, सॉरी प्लस का, प्लस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम लोग मास की भी ले लेते हैं, कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ताकि जब आपकी न्यूमेरिकल्स आए तो आपको उसमें फीड करने की जरूरत, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है आपका बेटा 9.1 × 10⁻³¹ kg। ठीक है बेटा, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो बेटा होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। ये वैल्यूज आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये आपकी आगे तक काम आएगी, चाहे आप 11th क्लास में जाओ चाहे आप 12th क्लास में जाओ, तो ये सारी वैल्यूज आपके क्या होगी, याद होनी चाहिए, और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस का 1.6 × 10⁻¹⁹
कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 × 10⁻³ kg, एंड द मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो आपका कितना होता है 1.67 × 10⁻²⁷. ये आपका प्रोटॉन का चार्ज होता है बेटा. आप इसे उतार सकते हो जल्दी पोज करके, फिर आगे करते हैं. ठीक है बेटा, अब आगे बात करते हैं हम लोग. अगर आप लोगों से पूछ लिया जाता है राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, हमें पता है 1 एम्पियर किसकी ऐसा यूनिट होती है, करंट की होती है, इलेक्ट्रिक करंट की होती है, तो हम उसे अपनी लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं वो हम यहां देखते हैं. ठीक है, समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है. आपके पास करंट का फॉर्मूला क्या आता है, Q/T, चार्ज अपॉन टाइम. अगर मैं करंट की वैल्यू निकालना चाहता हूं, करंट कब प्रोड्यूस हो सकता है 1, अगर मैं चार्ज को कितना लेता हूं 1, मैंने चार्ज ले लिया 1 कूलम. ठीक है, चार्ज की वैल्यू मैंने ले ली कितनी 1 कूलम, टाइम की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, टाइम किसमें होता है सेकंड, 1 सेकंड. मैंने क्या ले लिया 1, चार्ज की वैल्यू कितनी ले ली 1 कूलम, टाइम की वैल्यू ले ली कितनी 1 सेकंड. तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो 1 कूलम और टाइम कितना हो गया 1 सेकंड. तो आपके पास करंट कितना आ गया 1 कूलम/सेकंड. इसी को हम क्या कहते हैं 1 एम्पियर के नाम से जाना जाता है, ये 1 एम्पियर. अब देखो बेटा कैसे डेफिनेशन लिखोगे. जब किसी भी कंडक्टर में, दोबारा ले लेता हूं कंडक्टर के, जब किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है कितना 1 एम्पियर. ठीक है, जब किसी भी कंडक्टर में हमें 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस करना है तो हमें चार्ज कितना फ्लो कराना पड़ेगा 1 कूलम. ठीक है, हमें चार्ज कितना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फ्लो कराना पड़ेगा 1 कूलम, चार्ज फ्लो कराना पड़ेगा कितने सेकंड में, पर सेकंड में, 1 सेकंड में, पर यूनिट सेकंड. यूनिट जब भी लग जाता है तो हमेशा याद रखना यूनिट का मतलब होता है 1. ठीक है, तो द इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन देखो, द इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर, the electric current produced in a conductor when the charge flow of कितना 1 कूलम per unit second. सिंपल से डेफिनेशन यहां देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस, काम करते हैं 1 एम्पियर की बात हो रही है, 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो, कितने फ्लो पर यूनिट सेकेंड. बच्चों तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाती है किसकी, 1 एम्पियर की डेफिनेशन. आपसे कई बार पूछ लेता है कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, तो आप लोग आराम से लिख सकते हो 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट सेकेंड. ये आपकी डेफिनेशन. ठीक है बच्चों, यहां तक उतारो फटाफट, फिर आगे हम टॉपिक कवर अप करते हैं. ठीक है बच्चों, आपने उतार लिया. अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिससे आगे तो न्यूमेरिकल टर्म में यूज होती है वैल्यूज. तो यहां से आप लोग देख सकते हैं 1 मिली एम्पियर में आप लोग होते हैं 10⁻³ एम्पियर. ये याद करना पड़ेगा, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, मिली का मतलब स्मॉल है. यहां पर माइक्रो का बात है, 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है माइक्रो से हम इस टाइप से डिनोट करते हैं. ये आपका ऐसे है यू से नीचे तो डंडी लगा देना, तो ये आपका कितना होगा माइक्रो एम्पियर में होता है 10⁻⁶ एम्पियर. 1 नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, स्मॉल एन से डिनोट करते हैं एम्पियर. और यहाँ पर नैनो का अगर एम्पियर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपका कितना हो जाए 10⁻⁹ एम्पियर. ठीक है बच्चों, तो यहां तक आप ये उतारो वैल्यूज और आगे बढ़ते हैं. अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं डायरेक्शन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन की बात होती है. मैं यहां लिख रहा हूं डायरेक्शन की बात करते हैं. मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वो किसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं,
कन्वेंशनल करंट के। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास यही है इसका डायरेक्शन का, कि द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, जो आपके कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की अब बात करते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट को जो मेजर किया जाता है उसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम कहते हैं हम लोग एमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट इट कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट। किससे मेजर करते हैं बेटा? एमीटर से मेजर करते हैं, एमीटर। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मेजर किया जाता है, किसी भी सर्किट में लगाया जाता है, उसका नाम होता है एमीटर। बेटा ये याद रखना, एमीटर जो होता है वो हमेशा जब भी सर्किट में लगाया जाता है वो हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, पैरेलल में नहीं लगाया जाता। ठीक है, सीरीज में जैसे बताते हैं कि सीरीज में कैसा होता है, याद रखो बेटा, अगर आपके पास एक सर्किट है, मेरे पास एक सर्किट है, या मैंने बल्ब लगा रखा है, ये हम सब डिफाइन करेंगे, कौन सा बल्ब होता है, कौन सा सर्किट होता है, ओपन सिस्टम होता है, क्लोज सर्किट होता है, वो हम डिफाइन करेंगे। यहां पर आपके पास क्या लगा रखी बेटा? बैटरी। मैंने आपको बताया था बैटरी कब होती है, जब नंबर ऑफ सेल्स लगा जाए, दो या दो से ज्यादा सेल्स अगर एक साथ लगा दिए जाते हैं तो बैटरी का नाम ले लिया जाता है। ये आपके पास क्या है बेटा? बैटरी। यहां आपके पास करंट। ठीक है, अब देखो करंट कहां जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा करंट, ये हो गया आपके पास आई। जो एमीटर होता है बेटा, एमीटर कुछ इस टाइप से होता है, आपका कई जो हम फिगर ड्रॉ करते हैं वो इस टाइप से होता है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो नेगेटिव। इसकी जो रेंजेस होती है, डंडा सा होता है जैसे आपकी घड़ी में होता है सेकंड वाला स्विंग, यहाँ पर रेंजेस होती है, बहुत सारी रेंजेस होती है। वहां पर लिखा होता है 0 to 3 एम्पियर की रेंज होती है। अब बस ये करंट उतना ही मेजर कर सकता है, कितने एम्पियर से, 0 से लेके एम्पियर तक, कहां तक, 3 एम्पियर तक करंट मेजर करता है। ठीक है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। बच्चों ये याद रखना, जब भी हम लोग एमीटर लगाएंगे वो हमेशा सीरीज में ही लगता है, एमीटर जो लगता है बेटा वो हमेशा सीरीज में ही लगता है। ठीक है, हम लोग यहां भी लगा सकते हैं, 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 ये आपका एमीटर होता है, एमीटर। और हम इसे कैपिटल ए से भी नोट करते हैं। एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, याद रखना बेटा, जो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ही कनेक्ट होना चाहिए। यहां इसका पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये भी इसका कौन सा टर्मिनल होना चाहिए बेटा? पॉजिटिव ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका सर्किट गलत हो जाएगा। ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए। और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल होता है बेटा, वो हमेशा कौन से टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव ये रहा इसका, तो नेगेटिव कहां होगा बेटा? इसका ये वाला टर्मिनल नेगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव से ज्वाइन होता है, एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल किससे ज्वाइन होता है? नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन होता है। और ये हमेशा किसमें लगाया जाता है? सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज और पैरेलल के बारे में हम डिटेल में जानेंगे कि क्या सीरीज होता है, क्या पैरेलल होता है, जो हम आगे सर्किट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी बेसिक नॉलेज ले लेते हैं एमीटर के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या आगे बेटा आपका? ये एमीटर जो होता है, एमीटर जो होता है वो किसमें लगाया जाता है? कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया बेटा? ये आपको क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करता है। इट मेजर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन सर्किट। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एक टर्म बताई थी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था हमने,
रेजिस्टेंस क्या करता था बेटा, रेजिस्टेंस क्या करता था, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को अपोज करता था या फिर उसे रोकता था। ठीक है, तो अब यहां देखो एमीटर क्या काम करता है, करंट को मेजर करता है। अब करंट को अगर करंट कम हो गया, अगर करंट कम हो गया इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस ज्यादा हो रहा है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता था, करंट को अपोज करता था, उसे रोकता था। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो करंट क्या होगा, कम होगा, और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, अब एमीटर क्या काम कर रहा है, एमीटर करंट को मेजर कर रहा है, मतलब करंट ज्यादा है इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम होगा। तीसरा पॉइंट इसका क्या हो गया बेटा, रेजिस्टेंस जो होता है एमीटर में इज वेरी लो होता है, वेरी लो। और हम ये मान के चलते हैं जो आइडियल एमीटर होता है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, इन आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस कितना होता है, इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एमीटर का यूज बहुत जगह होता है, जब आप प्रैक्टिकल्स करोगे लैब में जाके, 10th क्लास में भी है प्रैक्टिकल इससे रिलेटेड, होम सोर्स रिलेटेड, तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है बेटा, इसे उतारो फटाफट, फिर आगे देखते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, इसे पोल सर के उतार देना। अब आगे बात करते हैं, करंट का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, क्यू अपॉन टी। ठीक है बच्चों, अब क्यू को क्या लिख सकते थे हम लोग, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। प्लस किसके लिए, पॉजिट्रॉन के लिए, नेगेटिव किसके लिए, आपका इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये आप आई इक्वल टू क्या कर सकते हो, जब क्यू इक्वल टू ये आ गया, इसको यहां पुट कर दो तो क्या हो गया, प्लस माइनस एन ई अपॉन टी। ए करंट का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, ये आ गया, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज द नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन की वैल्यू आपकी कितनी भी हो सकती है, एन आप लोग कितना भी लिख सकते हैं, जितना आपका नंबर ऑफ फ्लो ऑफ करंट होगा। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, अगर वो कहता है क्वेश्चन में कि आपके पास एक वायर है, आपके पास एक वायर है, ठीक है, आपके पास एक वायर है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो चल रहे हैं वो मैं यहां बना लेता हूं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ चल रहे हैं, नाइन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, नाइन। ठीक है, चार्ज कितना है आपके इलेक्ट्रॉन का, 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90 सी। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या है, माइनस का। लेकिन जब हम करंट मेजर करते हैं, करंट कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये याद रखना। तो यहां पर वो कहेगा कि आप लोग पहले तो चार्ज निकालो कि चार्ज कितना होगा, और फिर कहेगा आपसे कि आप लोग निकालो क्या, करंट निकालो, कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें करंट पता करना है। तो यहां देखो चार्ज की बात करते हैं, कितना हो गया एन ई, एन कितना है 9, आपके पास कितना हो गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, मल्टीप्लाई करो, क्यू इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 9, 9 से जा 54, 9 बजा 9 और 5 कितना हो गया आपके पास 40, तो यहां पे आपके पास कितना हो गया 14.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अब बात कर रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे, यहां टाइम चल रहा था उसका 0 सेकेंड, लेकिन जब वो यहां पहुंच गए तो टाइम चल रहा था उसका कितना, 5 सेकेंड। ठीक है बच्चों, तो अब वो पूछ रहा है करंट क्या होगा, तो करंट का फॉर्मूला कितना आपके पास, क्यू अपॉन टी, चार्ज आपने निकाल लिया 1.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 90, जहां लिख देता 2 सेकेंड, जब 2 सेकेंड चल रहा था तो टाइम कितना चल रहा था उसका, 2, काट दिया कितना हो गया, 2 1 2 2 7 14 2 2 4, तो 7.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 एम्पियर, ये आपके पास क्या हो गया, करंट आ गया। क्लियर है बच्चों, जब कोई वायर थी उसमें नंबर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे थे कितने, 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता था, चार्ज आप लोग निकाल सकते हो किससे, यहां से। अब यहां से टाइम कितना लग रहा था, यहां से पहले 0 सेकंड था, मैंने मान लिया 2 सेकंड लग रहा था, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने अपना बना दिया। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू अपॉन टी, तो जब क्यू अपॉन टी होगा तो करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें, 7.2 × 10⁻¹⁹ माइनस 19 एम्पीयर। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया टॉपिक, फिर आपसे।
सरस्वतर ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक आता है आज की लास्ट क्लासेस का, वो होता है आपको कौन सा, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में जब भी हम जानते हैं, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि राइट आउट द सर्किट ऑफ, ड्रॉ द सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इन ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। हम बात करते हैं ओपन सर्किट कौन सा होता है, क्लोज सर्किट कौन सा होता है। वैसे पहले ही बता चुका हूं कि जो ओपन सर्किट होता है उसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं करता। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोर्ड से दो तार लगा दिए, ठीक है, दो तार लगा दिए और एक तार मेरा ये वाला जो तार है वो किसी बोर्ड से कनेक्ट है, किसी बोर्ड से कनेक्ट है, एक तार मेरा ये है। अब यहां देखो, इसमें करंट कब फ्लो करेगा, जब मैं इसे चिपकाऊंगा, टच करूंगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा। इसी को हम कहते हैं क्लोज सर्किट, ठीक है। क्लोज हो गया तो करंट फ्लो करेगा, और अगर मैं इसे अलग हटा देता हूं तो ये क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ओपन में क्या करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा ना, उसे हम कहते हैं ओपन सर्किट। मतलब जब क्लोज सर्किट होता है तो आपका करंट फ्लो इजीली कर जाता है, और जब ओपन सर्किट होता है तो करंट कभी भी फ्लो नहीं करता है, ठीक है बच्चों। यहां देख लेते हैं, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं ओपन सर्किट की। ओपन सर्किट फिट कर लेते हैं हम क्लोज सर्किट, ठीक है बच्चों। ओपन सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट फ्लो, या फिर कह सकते हैं कैन नॉट फ्लो through the या in the circuit, ठीक है बेटा। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द सर्किट। और क्लोज सर्किट कौन सा, इलेक्ट्रिकल सर्किट इन विच an electric current flow through the circuit, ठीक है बेटा, through the circuit। अब बात करते हैं इन दोनों के डायग्राम्स की। पहले हम ओपन सर्किट की बात करते हैं। अगर सपोज करें आपके पास सर्किट है, या आपके पास क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। अब मैंने इसे क्या कर दिया, एमिटर कनेक्ट कर दिया, और यहां पर आपके पास टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये मैंने की को लगा दिया, यहां से मैंने इसे जॉइन कर दिया। ये की क्या है आपके पास, मैंने आपको बताया था ये कौन सी की है, ओपन की है। ये आपके पास बैटरी 2 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं। ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। एमिटर का पॉजिटिव कहां होगा, यहां होगा। एमिटर का नेगेटिव कहां होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। अब बेटा बताओ क्या इसमें करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ये की कौन सी है, ओपन कर रखी है, मतलब इन दोनों में कोई भी डिस्टेंस क्लोज नहीं है, और ये क्या होता है, ये ओपन सर्किट का होता है। तो हम इसे क्या कहते हैं, ओपन सर्किट में करंट क्या होता है, करंट की वैल्यू क्या होती है, I=0, ठीक है बच्चों। ओपन सर्किट में क्या होता है, I=0। अब नेक्स्ट बना लेते हैं, यह आपके पास बल्ब लगा हुआ है, यह आपके पास क्या है दोबारा, एमीटर, नेगेटिव पॉजिटिव, बैटरी कनेक्ट कर रखी है आपने, ये आपने की लगा रखी है। अब ये देखो बेटा, यहां पर आपने की को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव 2 वोल्ट की बैटरी, तो अब क्या होगा, करंट इसमें जीरो होकर गया, नहीं ना, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट चलता जाएगा करंट यहां पर, क्यों, क्योंकि ये कौन सा सर्किट है बेटा आपका, क्लोज सर्किट में करंट क्या होता है, not equals to 0, ठीक है बच्चों। इसे ड्रॉ करो, और अगर आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक इट और सब्सक्राइब इट दिस चैनल। जितने भी नए नोटिफिकेशन आएंगे नए लेक्चर के, वो आपको मिलते रहेंगे साथ साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।